मेरा यहाँ आना जाना रहता है, परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर, कब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं लाडवा से, और वो देख ले, लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उससे अभिभूत हूँ। करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब लाडवा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिलेगा। करनाल मेरा घर है जी। करनाल के लोगों को आगे भी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे, करनाल को कभी भी इस बात से महसूस नहीं होने देंगे कि ये सीएम सिटी नहीं है, ये सीएम सिटी के रूप में ही करनाल आगे बढ़ेगा। करनाल के लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार, मैंने कहा है कि उससे मैं अभिभूत हूँ। जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं आज इतनी भगदड़ क्यों सर? कोई भगदड़ नहीं, मैं अपने दीदी के यहाँ, मैं अपनी दीदी के यहाँ, रेणु बाला गुप्ता जी के यहाँ मैं आज चाय पीने के लिए आया था और जब मेरा मन करता है मैं घर पे आ जाता हूँ। पर वो नाराज है, क्या बात की? नए परिवार में आया था। रेणु बाला जी ने आपको पूरी बात की है। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, रेणु जी ने सारा विषय आप लोग नीचे कर लो यार, हर बटन पे कर लो, इतनी विषय किसी को सारे कर लो ना नीचे, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ। लोगों ने क्या बात की? नए परिवार में आया था। रेणु बाला जी ने आपको पूरी बात की है। नीचे कर लो ना आईडी, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, रेणु जी ने सारा विषय आप लोग नीचे कर लो यार, हर बटन पे कर लो, इतनी विषय किसी को सारे कर लो ना नीचे, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ।